सुदामा का नाम सुना तो कैसे भागे कभी ने भी कल्पना नहीं कर पाई कि कन्हैया पहले मिले या मित्र सुदामा। पीतांबर कहीं अपने मित्र का नाम सुनते ही और एक पिन गाय की तरह भाग गए। और जब कन्हैया भागे अपने सुदामा को गली से लगा दिया। सुदामा के पैर छुल चुके थे, छाले पड़ गए थे, कांटे चुभे थे, वो निकालने लगे और उन पैरों को धोने के लिए कठौता में जल मंगाया। लेकिन कन्हैया इतने रोए कि वह कठौता की जल की जरूरत न पड़ी। के पी सुधी भैया हुआ क्या कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं अरे ननन के तलसे पग धोए, देखे सुदामा की दीन दशा, कोई चीज ही नहीं दी है। हाँ झूठ बोलते हो। पहले भैया देख ले, भैया जब बगल में कहा है कि भैया जहाँ पूरा निकल आया हुआ और तो कितने सोचते भैया जब बगल में कहा कि जाम फोरा है, कन्हैया ने कही भैया सुदामा तू कैसे फोरा है, तो जाम के बालों में भाज रहो है जो एक जगह क्यों ना रुके रहो। कन्हैया समझ गए कि ये बहुत नालायक है, ये मेरा मित्र चंदनिया और कहा कि तू ऐसे नहीं सही बोलेगा। कन्हैया कहा बोले मालूम भैया जब हम अपने गुरु संदीपन के यहाँ रहते थे तो राधे राधे कह सकते जो ही दोनों हाथ ऊंचे करे सोई पोटली निकल पड़ी। तो कन्हैया ने कही गौर करना कितने सुंदर शब्द है कि तुम्हारी जो झूठ बोल रहे पीछे जबाई दफा भैया जो वे है और झूठे भी बोल रहे हो कितने कुछ सुधरो। अब भगवान कन्हैया माता से भी बोलेंगे कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा
भीषण रोग देने के लिए करो से रुकमणी ने हाल हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी क्या पागल हो, अरे तो भिखारी के पीछे खुद भिखारी बने ला तो कन्हैया। बोले बकबक मत करो, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो तुम शिशुपाल के घर चंदेली में झाड़ू लगाती होती, हमारे पास नहीं आती। ऐसा करो वो थाली दो जो हुई कटवाए, हमारे मित्र के लिए भोजन बना दो कन्हैया जी को, भोजन बनाओ। तो रुकमणी भोजन बना के लाई। आज दोनों पति और पत्नी अपने मित्र सुदामा को भोजन कराने लगी। बहुत जल्दी जल्दी सब खा जाओ, दिन न लगे ही जाने को, जितने खवा पा सब खवा दो, ऐसे खवा दो तो 10 घंटा लगेगा। बोलिए कन्हैया लाल की। अपने मित्र सुदामा को कन्हैया रुकमणी ने भोजन कराए, और जब भोजन कराए तो भोजन कराने के बाद सुदामा जी पेट पे हाथ फैलाए के बोले के भैया कन्हैया अब चलन दे और भाई वो भाई अरे पुष्पेंद्र भैया को दे देने का, एक प्रसाद तो मेरा खुदा ही कहीं से फुर्सत है ना, मैं खाली प्रसाद है, ये कोई गलत चीज नहीं है। इधर जब सुदामा जी ने भरपेट भोजन कर लिया और का बोले के देखो कन्हैया हमें दक्षिणा दिलवाएगा। कन्हैया की सब पत्नियां आई के नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, बिलने गई तेज नमस्ते घोड़े के बिछाए। अरे सुदामा चिंता मत करो, तुम्हारी जो सुदामा पुरी थी मैंने वो कंचन के महलों में चेंज कर दी है, बदल दी है। आज सुदामा को विदा किया और सुदामा जी चले जाते हैं। जब सुदामा जी चले गए मेरे श्रोतागण बंधुओं, जैसे सुदामा थे वैसे आदि भगवान ने फिर किए, धर्म पर चलते रहो, भगवान का कभी साथ मन छोड़ो।